तुम्हें अंदाजा भी है कि किस कदर शर्मिंदगी उठानी पड़ी होगी अम्मी को फूफो के सामने, पर तुम्हें क्या परवाह। मैंने आपको तसल्ली देने के लिए भेजा था या उसको डांटने के लिए? किस बात की तसल्ली, ये तो उल्टा खुश हो रही होगी। इकरार, चेहरा देखें इसका, लग रही है आपको खुश कहीं से। मुझे तो हैरत हो रही है आप लोगों की सोच में। नीनू। क्या नीनू, किसी को पसंद करना कोई जुर्म है क्या? इस्लाम में भी ये बात है कि लड़की की शादी से पहले उसकी रजा या पसंद मालूम कर देनी चाहिए। फरहाद अगर बुरा लड़का होता तो मैं मीशा को खुद ही रोक लेती, समझा लेती उसे, लेकिन समझने की जरूरत आप लोगों को है, मीशा को नहीं। इकलौती बहन है आपकी, उसकी खुशी का ख्याल करें ना कि उसकी खुशी को उसी के लिए सजा बना दें। सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। पूरी जिंदगी गुजर जाएगी यकीन दिलाते दिलाते, फिर भी कोई भरोसा नहीं करने वाला मीशा पर। बड़ी चहेती बनती थी ना सबकी, अब पूरी उम्र अपनी मोहब्बत को और उससे हासिल होने वाली रुसवाई को भूल नहीं पाएगी बेचारी। नेहा, मीशा, अबरार, तीनों में बड़ा एका था। अब मीशा को तो मैंने घर से बाहर निकलवा दिया है, बची नेहा, उसको भी बहुत जल्द मैं घर से बाहर निकलवाऊंगी। क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? खुशी, सुकून, इत्मीनान, और क्या? किसी को बर्बाद करके तुम खुश और मुतमईन कैसे रह सकती हो? देखो मैडम, आज तुम्हारी शादी है, अपनी शादी पे ध्यान दो और मुझे हर वक्त लेक्चर मत दिया करो। वैसे मैं शाम को नहीं आऊंगी, इसीलिए मैंने सोचा तुम सभी आके मिल लो। अब क्या घूर घूर के देख रही हो? रात को बुलाने के पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं था? अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मान गई अम्मी। अच्छा तुम मुझे लोकेशन सेंड करो ना। ओके। देख रही हो अपनी दोस्त की डिमांड? अम्मी को मनाने के लिए मुझे बुलवाया जा रहा है? तुम बहुत गलत कर रही हो आप रही। देखो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें जो गलत लग रहा है मेरी नजर से देखोगी तो बिल्कुल ठीक लगेगा।